राजस्थान के जालौर में दलित छात्र की पीट पीट कर हत्या किए जाने के मामले में भाजपा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। क्या कहा है राजकुमार चाहर ने, आइए सुनते हैं। राजस्थान के जालौर में दलित छात्रा की पीट पीट कर हत्या के मामले में भाजपा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार चाहर ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए भाजपा सांसद रामकुमार चाहर ने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष को हाथरस जाने की चिंता रहती है, मगर राजस्थान के जालौर में एक दलित छात्रा की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है और प्रियंका गांधी अपने मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार से बात करने की फुर्सत नहीं है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि पिछले 6 माह में राजस्थान के अंदर अनेक प्रकार की घटनाएं हुई। राजस्थान में करौली में सबसे पहले दंगे शुरू हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, और तुष्टीकरण की नीति से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, गहलोत जी ने, वहां की जनता को देख लिया एक वोट बैंक के नाम से। उसके बाद अनेक घटनाएं दलितों पर अत्याचार वहाँ पर हुए हैं। प्रियंका गांधी जी, राहुल जी, ये सारे विपक्षी नेता हाथरस भागने की इनको बड़ी जल्दी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश में भाग के आए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरा देश और दुनिया जानती है कि किस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान इन्हें जाने की फुर्सत नहीं, न राजस्थान में इनको ट्वीट करने की फुर्सत है, न राजस्थान के मुख्यमंत्री से वार्ता करने की फुर्सत है। राजस्थान की जो सरकार है वो निश्चित रूप से गरीब, दलित, किसान, महिला विरोधी सरकार है, और मैं चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी इसके लिए क्षमा मांगे। भाजपा सांसद और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार चाहर का कहना है कि ट्विटर पर एक्टिव रहने वाली प्रियंका गांधी राजस्थान के जालौर में दलित की पीट पीट कर हत्या के मामले में चुप बैठी हैं। भाजपा सांसद रामकुमार चाहर ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा है।